सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम कोरोना की स्पेशली बात करें, कोरोना हम देख रहे हैं कि आपने जैसे खुद का छठी लहर है, 9 अफराद अब तक चले गए हैं, इस छठी लहर लेगी है 9 अफराद। मुझे ये बताएगा कि ये जितनी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि एहतियात तो हम कर नहीं रहे हैं, वो वाला हमने अभी तक माहौल नहीं देखा जो पहली दूसरी या तीसरी वेव में हमने देखा था, अगर ये इसी तरह से चलता रहा और हमने पाबंदी नहीं की तो खुदा ना खास्ता कितनी वर्स्ट कंडीशन हो सकती है? यकीनन ये उसी तरह बुरे हालात हो सकते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस तरह वैक्सीनेशन काफ़ी तादाद में हुई तो उससे काफ़ी बचत हुई है। बाकी आपकी बात सही है, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन ने हमारी काफ़ी जहाँ खलासी की है और इतने बड़े तादाद में लोगों की अमवात नहीं हुई जितनी खुदा नखास्ता हो सकती थी। यकीनन लोग SOPs पे अमल नहीं कर रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं है, सामाजिक फासले का लिहाज नहीं है, तो लेकिन वैक्सीनेशन इस में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। वैक्सीनेशन काफ़ी बड़ी तादाद में ऑलरेडी हो चुकी है और मजीद हो रही है। बूस्टर डोज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जितने भी नए आने वाले वेरियंट है उससे हम बच सकें, और ये वेरियंट मजीद आते जाएंगे जब तक हम वैक्सीनेशन कम्प्लीट नहीं करेंगे, हमारे लिए ये बीमारी पर काबू पाना मुश्किल है।